ये हम केवल सिंह जी के घर पहुंचे हैं। यहाँ पे बड़ी दूर और बड़ा कच्चा रास्ता है और बड़ी बड़ी दिक्कत है यहाँ पहुंचने के लिए। और रास्ते जिनकी बुरी हालत है ये जल्द से जल्द बनाया जाए, क्योंकि इस इलाके के बच्चे स्कूल जाएं, पढ़े और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी करें और बड़े अफसर बने और देश सेवा करें और ईमानदारी से काम करें। इसलिए अगर रास्ते ठीक नहीं होंगे तो बच्चों की पढ़ाई रह जाती है। और आगे ही इन इलाकों में लीडरों ने ये किया है, MLA MPU की बात करता हूँ, कि उन इलाकों ने ये किया है कि इन इलाकों के ना रास्ते बनाए हैं, ना स्कूलों की स्थिति सुधारी है, ना पानी का इंतजाम किया है, ना कोई रोजगार का इंतजाम किया है। बस जब इलेक्शन आते हैं, महीना दो महीना मिलते आते हैं, उसके बाद ना तो ये किसी की सपोर्ट करते हैं, ना किसी की कोई मतलब सेवा करते हैं। इन्होंने सिर्फ अपना वोट लेने होते चले जाना। आप एक ही काम करते हो, आप जब इलेक्शन आते हैं सुबह भी झूठ मारते हो, शाम को भी झूठ मारते हो, और आप इलेक्शन के टाइम लोगों को दिखते हो, उसके बाद अपनी तरक्कियां करते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आपका वक्त हो गया, जब जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था बन गए। अब इस बार आप बनने वाले नहीं हो, आपकी जवानते जब्त करवाने वाला हूँ। ये मैं मीडिया के माध्यम से आपको भी कह रहा हूँ, तो मैं अपनी बात जनता तक भी पहुँचा रहा हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन लड़ना जरूर, इसी विधानसभा में, जसरोटा में भी लड़ना, तो बसोली में भी लड़ना, जरूर लड़ना। आपको चैन नहीं मिल रहा, फिर भी आप मीडिया वालों को फोन करके धमकाते हो, आप उनको बोलते हो इसकी खबर क्यों लगा रहे हो। भैया आपकी जितनी मर्जी खबरें वो लगा रहे हैं, हमने नहीं कभी कहा उनको कि आप उनकी क्यों लगा रहे हैं, तो फिर हमारी खबर से क्या तकलीफ है। तो अगर आपको तकलीफ है ना, तो ये तकलीफ बढ़ने वाली है आपकी, और तकलीफ। अब बहुत काम करने वाले हैं हम, तो MLA बनने से पहले भी रिकॉर्ड बनाने वाले हैं काम के, और MLA बनने के बाद भी जो हम रिकॉर्ड बना जाएंगे, कोई राजनेता हमारे बराबर काम नहीं कर सकता। अपना रिपोर्ट कार्ड रखना, जब इलेक्शन आएगा रिपोर्ट कार्ड रखना, आपने की किया। आपके पास खोने का डिपार्टमेंट है, धक्का करने का डिपार्टमेंट है, आपके पास बदतमीजी करने का डिपार्टमेंट है, आपके पास अठानियों से अपनी राजनीति चलाने का डिपार्टमेंट है, हमारे पास सेवा करने का डिपार्टमेंट है, सपोर्ट करने का डिपार्टमेंट है। कुदरत का नियम है कि बदलाव होते रहने चाहिए, लीडरों को अकल रहती है, उनको अकल रहती है, ऐसे लीडरों का दिमाग खराब हो जाता है कि और तो कोई लड़ता नहीं इस विधानसभा में। मैं हूं जसरोटा विधानसभा क्षेत्र की पोठैन साउथ पंचायत में, यहाँ हमारे ये भाई साहब हैं केवल सिंह जी है, तो इनकी बेटी की शादी है,
इन्होंने हमें अपनी बेटी की शादी पे बुलाया, साथ में कार्ड भेजा था और हमें बुलाया। एक तो इनका हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें बुलाया शादी में और अपनी खुशी में शामिल किया। अब हम आए हैं, हमने इनको, इन्होंने हमें कहा कि कुछ मदद भी कर देना, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारे परिवार के मेम्बर हैं, हमारे छोटे भाई हैं, तो इसलिए मैं जहाँ पे आया हूँ, मैंने इनको कहा है, मैं इनको अभी 11,000 रुपया इनको दे दूंगा। पूछ लिया कि और इनको अगर कोई चाहिए हमारी तरफ से तो ये बता दे, 2-4-5 दिन के बाद इनकी बेटी की शादी है तो हम और भी भेज देंगे, ये 11,000 रुपया ये अपनी बेटी की शादी में खर्च कर लें, हमें अच्छा लगेगा। क्या है अच्छा, और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये हम केवल सिंह जी के घर पहुँचे हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं, बड़ी दूर और बड़ा कच्चा रास्ता है और बड़ी बड़ी दिक्कत है यहाँ पहुँचने के लिए। और मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, ये मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जितने भी ये रास्ते जिनकी बुरी हालत है, ये जल्द से जल्द बनाया जाए, क्योंकि इस इलाके के बच्चे स्कूल जाएँ, पढ़ें और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी करें और बड़े अफसर बने और देश सेवा करें और ईमानदारी से काम करें। इसलिए अगर रास्ते ठीक नहीं होंगे तो बच्चों की पढ़ाई रह जाती है। और आगे ही इन इलाकों में लीडरों ने ये किया है, MLA MPU की बात करता हूँ कि उन इलाकों ने ये किया है कि इन इलाकों के ना रास्ते बनाए हैं, ना स्कूलों की स्थिति सुधारी है, ना पानी का इंतजाम किया है, ना कोई रोजगार का इंतजाम किया है। बस जब इलेक्शन आते हैं, महीना दो महीना मिलते आते हैं, उसके बाद ना तो ये किसी की सपोर्ट करते हैं, ना किसी की कोई मतलब सेवा करते हैं, इन्होंने सिर्फ अपना वोट लेने होते चले जाना होता है। और इसलिए वो इसलिए बनते रहे हैं इन इलाकों से क्योंकि उस समय जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इस बार जब भी इलेक्शन होंगे, जसरोटा विधानसभा क्षेत्र से मेरी बीबी पूनम शर्मा लड़ रही है और मैं बसोली विधानसभा क्षेत्र से मैं लड़ रहा हूँ, हम दोनों आजाद कैंडिडेट दोनों सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब भी इलेक्शन अनाउंस होंगे तो हम आजाद दोनों सीटों पे आजाद इलेक्शन लड़ेंगे और जनता का देख लिया, हमने जनता का मूड देख लिया, जनता की मर्जी देख ली है। 90% से ऊपर हम लोगों से जब मिले हैं तो लोग हम पे खुश हैं, हमें वोट पर डालने के लिए तैयार हैं। और मैं जहां भी जाता हूं, लोगों के जो मैं मतलब फेस एक्सप्रेशन देखता हूं, बॉडी लैंग्वेज देखता हूं, और जो उम्र में बड़े हैं वो आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे हैं, और जो उम्र में छोटे हैं वो साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये जो यहां पहुंचते हमें रात होगी, यहां पहुंचना समझ लो एक जंग जीतने के बराबर है। इसलिए मेरी द्वारा नेताओं को और यहाँ के कठुआ डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन से मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द रास्ते बनाए जाएं। अगर रास्ते बनेंगे, बच्चों की शिक्षा अच्छी होगी, उनकी वो अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी और पानी का इंतजाम अच्छा होगा तो कम से कम लोगों को जिंदगी व्यतीत करने में आसानी हो जाएगी। ये प्रथैन पंचायत जो सब प्रथैन साउथ पंचायत है, जो है मैं पहली बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इसलिए कई बार पंचायतों का पूछना पड़ता है। पहली बार MLA इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम दोनों पहली बार MLA इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए कई बार किन इलाकों में जाते हैं वहाँ पे पंचायत का वार्ड का हमें पूछना पड़ता है कि ये कौन सी पंचायत है, कौन सी वार्ड है। हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ से फोन आता है, वहाँ हमें हमसे जो मदद होती है, जो हमसे सेवा होती है वो करते हैं, लेकिन जब हम पूरे इलाके में घूमते हैं तो हमें उस इलाके का पंचायत का वार्ड का वहाँ के जो लोकल नागरिक हैं उनसे पूछना पड़ता है कि ये कौन सी पंचायत है, कौन सी वार्ड है। पिछले 2-3 साल पहले मैं यहाँ आया था, वहाँ भी एक बेटी की शादी थी, वहाँ भी हम आए थे, हमने मदद भी की थी और उनकी बेटी की शादी में हम उनकी खुशी में शामिल भी हुए थे, उन्होंने हमारे साथ अपनी खुशी साझी की थी। तो उस समय भी हम आए थे और आज भी हम आए हैं, लेकिन उस समय भी रास्ता कच्चा था, आज भी रास्ता कच्चा है, लेकिन फिर भी इस इलाके के जो सरपंच हैं, जो पंच हैं, मैं उनको इस पवित्र धरती से, इस प्रथैन की साउथ की पवित्र धरती से मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चलो आपके पास जितनी पावर है, सरपंच और पंच जिनकी जितनी उनके पास पावर है, कम से कम आपने इतना रास्ता तो बना दिया, कच्चा ही है लेकिन रास्ता बनाया है। आपको मैं मीडिया के माध्यम से, यहाँ का कोई सरपंच, मेरे को नहीं पता कि किस पार्टी से वो जुड़े हैं, किस पार्टी से हैं, कौन है, क्या नाम है, लेकिन जो भी यहाँ के सरपंच हैं, पंच हैं, उनको मैं दिल से ये धन्यवाद देता हूँ। कम से कम आपने कच्चा रास्ता ही सही
कम से कम ट्रैक्टर ट्राली रोड ही सही कम से कम बना के दिया है। सरपंच पंच किसी भी पार्टी से जुड़े हो, मेरे से मेरे को उस बात का कोई लेन देन नहीं है कि आप किस पार्टी से हैं, किस पार्टी से जुड़े हैं, वो आप आपकी अपनी मर्जी है, आपका अपना फैसला है। आप उस पार्टी से जुड़े हो वो आपका अपनी अपनी वो है, अपना फैसला है। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ, ये जो आपने कच्चा रास्ता बनाया है, रास्ता यहाँ तक बना है हमने देखा है, चलो कच्चा ही है, पहुंचने जोगा रास्ता हो गया है। और इलेक्शन से पहले मैं उनको कहना चाहता हूँ, थोड़ी दौड़ धूप और करके इस रास्ते को पक्का बना दे, इस रास्ते को पक्का बना दे, क्योंकि क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। अब मैं जब आता हूँ तो मेरे साथ 70-80 गाड़ियां चलती हैं। जब मेरे साथ इतनी गाड़ियां चलती हैं, इतने लड़के, अभी तो मैं कहता नहीं किसी को, किसको पता चलता है, वो गाड़ी लेके पीछे आ जाते हैं। और मैं चुपके चुपके कई बार निकलता है, फिर भी कम से कम करते करते पूरी लाइन गाड़ियों की लग जाती है। इसलिए जब मैं इलेक्शन इस इलाके में इलेक्शन लड़ूंगा तो कम से कम 200-300 गाड़ियां इतनी गाड़ियां मेरे साथ चलेंगी, साथ चलेंगी। इसलिए मैं सरपंच पंच या DDC BDC जो भी है, जो भी इस इलाके की जिम्मेवार है, सरपंच है, पंच है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इलेक्शन से पहले पहले सड़कें पक्की करा दो, क्योंकि मैं इलेक्शन इस विधानसभा में जीतने वाला हूं, इस विधानसभा में मैं लड़ने वाला हूं। और मेरा दरअसल मेरा लाओ लश्कर और काफला बड़ा लंबा चौड़ा होता है, इसलिए मेरे लिए भी कोई सोच लेना भरावा, मैं तो वो नहीं हूँ। यहाँ तो ऐसे ऐसे नेताओं बनते रहे हैं, चाहे MLA हो, MP हो, जो सुबह भी झूठ बांटते हैं, शाम को भी झूठ बांटते हो। मैं तो सुबह से लेकर शाम तक पैसे बांटता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक लैपटॉप बांटता हूँ, सुबह से शाम तक स्मार्टफोन बांटता हूँ, और सुबह से शाम तक जो भी गरीब जरूरतमंद परिवार है कोई उनकी मदद करता हूँ। और आप एक ही काम करते हो, आप जब इलेक्शन आते हैं सुबह भी झूठ मारते हो, शाम को भी झूठ मारते हो, और आप इलेक्शन के टाइम लोगों को दिखते हो, उसके बाद अपनी तरक्कियां करते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आपका वक्त हो गया, जब जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था आप बन गए, अब इस बार आप बनने वाले नहीं हो, आपकी जवानते जब्त करवाने वाला हूँ। ये मैं मीडिया के माध्यम से आपको भी कह रहा हूँ, तो मैं अपनी बात जनता तक भी पहुंचा रहा हूँ। इसलिए आपकी जवानते जब्त है, और मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन लड़ना जरूर, इसी विधानसभा में, जसरोटा में भी लड़ना, तो बसोली में भी लड़ना, जरूर लड़ना। हमें इलेक्शन लड़ने का मैं कहता हूँ, हमें किसी से, हम कहते हैं कि हमें मुकाबला मिले, जितने कैंडिडेट हर पार्टी अच्छे अच्छे कैंडिडेट दे, कम से कम हमें जीतने में लगे। ये नहीं है कि जब भी कभी बसोली में इलेक्शन होता है, दो ही कैंडिडेट होते थे, तीसरा कोई होता ही नहीं था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जब भी इलेक्शन हो, मैं पार्टियों को मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मजबूत कैंडिडेट देना, उन मजबूत कैंडिडेटों को टिकटें देना, वो आपसे खरीदेंगे, क्योंकि खरीदने वाला काम तो उन्होंने रखा ही है, क्योंकि हमें उनको हराने का मजा तो आए। इसलिए जो मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा मीडिया के माध्यम से भी सेवा कर रहा हूँ, ऑफ कैमरा भी कर रहा हूँ, जहां मैं जाता हूँ मीडिया वाले। और मैं एक बात और आपको बताता हूँ मीडिया के माध्यम से, अब कुछ नेताओं को तकलीफ हो रही है, अब बड़ी तकलीफ होती है, अब उन्होंने क्या है, मीडिया वालों को कहना शुरू कर दिया है कि वो मेरी खबर क्यों लगाते हैं। भाई 17 खबरों से एक खबर लगाते हैं, वो भी चौथे पांचवें दिन एक खबर लगाते हैं। अगर मीडिया वाले मेरे 17 खबरों में से एक खबर लगा रहे हैं, तो फिर भी आपको चैन नहीं मिल रहा, फिर भी आप मीडिया वालों को फोन करके धमकाते हो, आप उनको बोलते हो इसकी खबर क्यों लगा रहे हो। भैया आपकी जितनी मर्जी खबरें वो लगा रहे हैं, हमने नहीं कभी कहा उनको कि आप उनकी क्यों लगा रहे हैं, तो फिर हमारी खबर से क्या तकलीफ है। तो अगर आपको तकलीफ है ना, तो ये तकलीफ बढ़ने वाली है आपकी, और तकलीफ, हम बहुत काम करने वाले हैं, हम तो MLA बनने से पहले भी रिकॉर्ड बनाने वाले हैं काम के, और MLA बनने के बाद भी जो हम रिकॉर्ड बना जाएंगे, कोई राजनेता हमारे बराबर काम नहीं कर सकता। अपना रिपोर्ट कार्ड रखना, जब इलेक्शन आएगा रिपोर्ट कार्ड रखना, आपने की किया, आपके पास खोने का डिपार्टमेंट है, धक्का करने का डिपार्टमेंट है, आपके पास बदतमीजी करने का डिपार्टमेंट है, आपके पास अठानियों से अपनी राजनीति चलाने का डिपार्टमेंट है, हमारे पास सेवा करने का डिपार्टमेंट है, सपोर्ट करने का डिपार्टमेंट है। हम सपोर्ट करते हैं, हम सेवा करते हैं, और इलाके में जनता की सेवा करते हैं। इसलिए आपने जितना देर धक्का करना था, जितनी धक्काशाही करनी थी, वो धक्काशाही खत्म होगी, अब जमाना चेंज हो गया, अब चेंज करने वाले हैं। बदलाव बड़ा जरूरी है, बदलाव होना चाहिए, कुदरत का नियम है कि बदलाव होते रहने चाहिए। लीडरों को अकल रहती है, उनको अकल रहती है, ऐसे लीडरों का दिमाग खराब हो जाता है कि और तो कोई लड़ता नहीं इस विधानसभा में, हम तो आजाद लड़ेंगे। कोई भी इलेक्शन लड़े, चाहे आजाद लड़े, चाहे छोटी पार्टी से लड़े, बड़ी पार्टी से लड़े, वो किसी से पैसे लेके बैठे नहीं,
वो किसी के प्रभाव में किसी से डर लेके बैठे नहीं। अगर किसी ने फॉर्म भर दिया तो वो इलेक्शन लड़े, और जो जो लोग इलेक्शन के समय दूसरों से पैसे लेके बैठ गए हैं, दूसरों से प्रभाव में आके, दूसरों से डर के अपने फॉर्म वापस लिए हैं, जब अपना इलेक्शन नहीं लड़ा तो वो जिंदगी में इलेक्शन नहीं। जब फॉर्म भरना है, जब कह दिया, हमने कह दिया ना, हम तो 100% इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। बाकी केंद्र सरकार ने कराना होगा करवा दे, नहीं करवाना होगा जब करवाना होगा करवा दे, हमारी सेवा जारी रहेगी। चाहे इलेक्शन आप करवाओ चाहे ना करवाओ, हमारी सेवा में कोई कमी नहीं आएगी। इसी स्पीड से हमारे चाहे आप 5 साल और नहीं कराओ, सेवा तो हम करते रहेंगे, ये तो हमारा स्टाइल रहेगा। अगर आप कराते हो तब भी ठीक है, नहीं कराते हो तब भी ठीक है, हमें परवाह कोई नहीं। मेरा काम सेवा करना है, मैं अपनी जेब से पैसे खर्च करके सेवा करके मेरे को खुशी मिलती है, इसलिए करता हूँ। मैं अपनी खुशी के लिए सेवा करता रहूंगा। जिस लीडर को जो तकलीफ होती है उसको होती रहे, और इतना मेरे को वादा है कि जिस लीडर को तकलीफ होती है उसकी तकलीफ बढ़ने वाली है। और मेरे इलाके के जो लोग हैं जिनको खुशी होती है, लोग सब खुश हैं, 90% से ऊपर लोग मेरे पे खुश हैं, तो जिनको खुशी होती है उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के वादा है कि आपकी खुशी भी दिन दिन बढ़ती जाएगी। मैं और अच्छे तरीके से सेवा करता रहूँगा, और अच्छे तरीके से ईमानदारी से काम करता रहूँगा, आपकी खुशी बढ़ेगी। ये मेरा जनता से मसौली विधानसभा क्षेत्र और जसोटा विधानसभा क्षेत्र और कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लोगों से वादा है कि आपकी खुशी बढ़ेगी। लेकिन जिन नेताओं को तकलीफ है उनकी तकलीफ बढ़ेगी, और जो वोट डालने वाले हैं और सपोर्ट करने वाले हैं उनकी खुशी बढ़ेगी। जय हिंद, जय भारत। अच्छा महाराज।